एग्जाम्पल नंबर है 8, पेज नंबर 206 पर है। यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी पर वैल्यू दे रखी है 1/2, और आपसे कहा गया है कि भी ए प्लस बी जो दोनों कोणों का योग है, सम है, वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से कम है या बराबर है, और कोण ए बड़ा दे रखा है बी से, तो आपको बताना है कि ए और बी का मान क्या है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके सॉल्यूशन में आपने क्या देखना है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। आप टेबल से देख सकते हो कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, परंतु यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि साइन ए माइनस बी जो है वो 1/2 है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो आपको मिलेगा कि ए माइनस बी तो होना चाहिए 30। तो 30 डिग्री ए माइनस बी की वैल्यू आप लिख लो, ये आपके पास आ गया समीकरण नंबर 1। आल्सो मतलब और भी आपको बात पता है, क्या पता है कि 1/2 कॉस की वैल्यू क्या कब होती है, तो कॉस 60 डिग्री पर होती है वैल्यू 1/2, और ये आपके पास था गिवन, और परंतु कॉस ए प्लस बी दे रखा है 1/2, तो ये भी गिवन है। तो यहाँ से आपको मिल गया कि ए प्लस बी जो है वो तो क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। यानी कि आपको दो समीकरण मिल गए हैं कि ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो अब हमें इन दोनों को हल करना पड़ेगा सॉल्व। तो फर्स्ट इक्वेशन तो है कि ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और सेकंड इक्वेशन है कि ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो, ऐड। तो ऐड करेंगे तो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, और ए मिलकर हो जाएंगे 2a, और 60 और 30 को जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 90 डिग्री। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है तो 2 से भाग हो जाएगा, तो 90 डिग्री बटे 2, तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी 45 डिग्री, आपको बी की वैल्यू चाहिए, तो आप चाहे ये 45 को समीकरण 2 में रख लीजिए या फिर समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए बराबर 45 डिग्री, समीकरण मान लेते हैं मैंने जैसे 2 में रखता हूँ, 2 में रखने पर ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, ए की वैल्यू रख लूँ 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री, और ये 45 डिग्री वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से मुझे बी की वैल्यू मिली है 15 डिग्री। तो आपके पास ए और बी की दोनों की वैल्यू आ गई हैं, तो यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। अब आप देख सकते हो कि अगर 45 में से 15 को माइनस करें तो 30 आएगा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है 1/2, और अगर 45 और 15 को जोड़ें 45 और 15 60, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसका मतलब इसमें ए तो होना चाहिए 45 और बी होना चाहिए 15, ताकि 45 माइनस 15 करें तो 30 बन जाए, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और 45 और 15 को जोड़ें तो 60, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये दो इसके आंसर आ गए, ए बराबर 45 बी बराबर 15।